नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूँ आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल आज के दिन में, क्या कहती है आपकी राशि, साथ ही क्या है आज का महा उपाय, ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज हम महा उपाय में जानेंगे सुख पूर्वक और बाधा रहित नींद पाने का उपाय। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सुखद और बाधा रहित नींद के अद्भुत एवं चमत्कारी प्रयोग? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बाधा रहित नींद हेतु चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है आषाढ़, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है आयुष्मान और करण है गर। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी काम करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा कार्य कर सकते हैं और ज्यादा लाभ ले सकेंगे। अतीत में हुई गलतियों को आज सुधारने का दिन है, तो पुराने समय में जो भी गलतियां, जो भी भूल चूक हो गई हो, उसको आप सुधार लीजिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने राशि के अनुसार आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिमाग में जितने भी नए विचार यानी क्रिएटिव आइडियाज आए, उन्हें आप आने दीजिए और उसका लाभ अपने कार्य क्षेत्र में लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेहनत के लिए आज अपने स्वास्थ्य और सेहत के साथ समझौता किसी भी परिस्थिति में ना करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई समस्या ऐसी है जिसे आप काफी दिनों से सुलझाना चाह रहे थे, तो उसका हल आज आपको मिल सकता है। आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ही सोच समझ करके ऐसी कोई भी पार्टनरशिप आप आगे अपने लिए प्लान करें। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको खुद को किसी भी स्थिति में ढलने के लिए तैयार रखना चाहिए। अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य तालमेल बैठा करके रखें। निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। यदि आप कहीं यात्रा पे जाने की योजना बना रहे हैं, तो आज की दिनचर्या में आपको यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा कम से कम करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मुश्किलों से बचने के लिए आज बेहतर ये होगा कि आप उनका सामना करें, डटकर के सामना करें। आत्मविश्वास में रहना और क्रोध व उत्तेजना में आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात बात में क्रोध और उत्तेजित ना हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोनों को एक साथ ना मिलाइए। आज की दिनचर्या के लिए सबसे बढ़िया ये है कि ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर बार बार क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, तो इसको आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। दैवीय कृपा भी प्राप्त होगी, जिससे आप सफलता को पा सकेंगे। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो वर्तमान जो समय है वो आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। शेयर बाजार में बहुत सोच समझ करके पैसे लगाइए। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बहुत जरूरी निर्णय आज की दिनचर्या में लेना पड़ सकता है। जो वो निर्णय आपके परिवार से जुड़ा हो, किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके दिनचर्या में आने वाली बाधा को दूर करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की कोई योजना बना रहे हैं, कोई किसी व्यापारिक निवेश की योजना बना रहे हैं, तो वो योजना आपके लिए, वो निवेश जो है आपके लिए बहुत सफलदायी नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। पवन हमारे साथ जुड़े गाजियाबाद से। पवन, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्ते, मैं पवन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी नमस्कार, बताइए पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1987। जी पंडित जी, मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे बिजनेस मैंने किया था तो उसमें मेरा लॉस हो गया जी। तो पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था कि मैं बिजनेस में सफल होऊंगा या जॉब वॉब करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल पवन, मैं आपको बताता हूँ। आप अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी एक बार पुनः बता दें। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1987। जी समय बताइए। समय रात 9 बजे। जी जन्म स्थान बताएं। पंडित जी गाजियाबाद राजनगर स्टेशन। जी बिल्कुल, देखिए पवन जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो आपने प्रश्न किया है, बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, जो काल है आपके लिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता का संयोग तो बहुत अच्छा बन रहा है, उनकी जो दशा है वो आपके लिए बहुत सफलदायी है, लेकिन राहु ने किसी न किसी कारण से बृहस्पति के ऊपर ग्रहण योग बना रखा है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। और ये योग ये भी बताता है कि पुराने समय से ही आपके परिवार में कोई पितृदोष चला आ रहा है। जब तक आप इस पितृदोष का निदान नहीं करेंगे, इस पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण, सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो जब तक आप इसका निदान नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। इसका निदान करने के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, वो अमावस्या की तिथि में आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गाजियाबाद से सूरज हमारे साथ जुड़े। सूरज, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1999। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जॉब देख रहा हूँ, जॉब नहीं मिल पा रही मुझे। जी समय बता दें, जन्म का समय बताइए। सुबह 9:38। जी सूरज, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति देव की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है, ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन का समय है, आय में वृद्धि के संयोग कहीं ना कहीं से दिखाई देते हैं। इस समय में आपको कुछ प्रयास ये करना चाहिए कि गुरुवार के दिन आप किसी ब्राह्मण की सेवा कर सकें, भगवान विष्णु की पूजा आप नियमित दिनचर्या में कर सकें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी ब्राह्मण को पीली चीज़ों का दान करना, खासतौर पर पीले रुमाल में 5 बेसन के लड्डू बांध करके कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण देवता को गुरुवार के दिन देना, कम से कम 16 गुरुवार, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपकी इनकम में, आपकी नौकरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। आपकी कुंडली में ऐसे संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, इनकम में आय में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक आप ये उपाय ना करें तब तक आपको ये सफलता बहुत बाधित होकर के मिलेगी। अगले कॉलर देवेंद्र पांडे हैं चंदौली से। जी अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए पांडे जी। पंडित जी, एक मेरा बेटा है वो बहुत परेशान रहता है, उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है। जी पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1999। जी तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था कि वो हमेशा तबीयत उसका खराब रहता है। जी समय बता दें। समय पंडित जी सुबह 10 बजे। जी जी, देखिए इस बच्चे की कुंडली में मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर भी राहु का है, ऐसी परिस्थिति में जातक जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और आपको एक छोटा सा सुझाव और देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के लिए एक सामान्य सा, इन जनरल सा एक जो है रक्त परीक्षण करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, जिससे आपको कुछ सामान्य जानकारियां हो जाएं कि उसको किसी भी तरीके का ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि ये जो मंगल में राहु का अंतर है ये कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित भी कोई समस्या देता है, और ऐसी परिस्थिति में मंगल और राहु की दशा को देखते हुए कुछ मंत्र महामृत्युंजय का जाप करा लेना और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहना। बच्चे के निमित्त आप लोग स्वयं करें, बच्चा अगर स्वयं कर सकता हो तो वो खुद करे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि मंगल और राहु दोनों को नियंत्रित करने के देवता जो हैं वो भगवान श्री हनुमान ही हैं। सविता जुड़ी लखनऊ से हमारे साथ। सविता अपना सवाल पूछे, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। मुझे अपनी
बहन के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1981, रात में 10:30 बजे का जन्म है। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि उन जब से शादी हुई है वो बहुत परेशान चल रही है, उनकी जॉब कब तक लगेगी? जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। इनके लिए शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो बृहस्पति देवता की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। इस वजह से इनको दाम्पत्य जीवन में, नए परिवार में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा समस्या, बाधा आएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, और इनको भी ये सुझाव दिया जाए कि यदि संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत करें, और गुरुवार के व्रत की कथा जो होती है उसका पाठ करना, भगवान विष्णु का ध्यान केले के वृक्ष में करना, ध्यान करके केले के वृक्ष की पूजा करना, ये गुरुवार की पूजा का महात्म्य है और यही उसकी प्रक्रिया होती है। अगर वो ये करते हैं तो बृहस्पति की जो एक अशुभता है इनकी कुंडली में वो दूर होगी, और जब वह अशुभता दूर होगी तो इनका दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा। जो इनको अपने शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो एक नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, काम में कहीं अपनी इनकम में वृद्धि करना चाहते हैं, तो वो जो समस्या और बाधा की स्थिति है वो भी दूर हो जाएगी। अगले कॉलर पूर्ण है फरीदाबाद से। जी अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1984। जी। समय है 9:45 सुबह के। जी। जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी। जी पंडित जी, मुझे पता करना था कि मेरे लिए कौन सा स्टोन या कौन सा मैं रत्न धारण करूं जो मेरे लिए फायदेमंद हो, और कब धारण कर सकता हूं? देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। सूर्य जो है आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की जो स्थिति है वो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बैठे हुए भी हैं चतुर्थ भाव में। ऐसी परिस्थिति में अभी सूर्य और मंगल के, सूर्य और बृहस्पति के कोई भी रत्न धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपकी कुंडली के अनुसार आपने एक उपयुक्त रत्न की बात पूछी है, तो आपकी कुंडली जो है वो कन्या लग्न की पत्रिका है जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी कुंडली में कर्म भाव और लग्न भाव दोनों बुध का है, तो अगर आप पन्ना धारण करें 7 रत्तिका कनिष्ठिका में यानी छोटी वाली उंगली में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। 7 रत्तिका पहनना चाहिए, चांदी में बनवा करके आप पहन सकते हैं, और लग्न का जो पत्थर होता है उसे लॉन्ग टर्म पहनते हैं, उसको आपका जीवन काल का रत्न माना जाता है, जीवन पर्यंत आप धारण कर सकते हैं। तो वो आपके लिए वर्तमान समय में सूर्य और बृहस्पति की दशा को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझें, तो आपको अपने बोलने की कला पर विशेष ध्यान देना होगा। आप जिस तरीके से अपनी बात सबके सामने रखते हैं, जो अपनी भावनाएं आप रखते हैं, आपको उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो रही हैं। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धन का बहुत ज्यादा दिखावा या बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तारीफें आपको मिल सकती हैं। धन की लालच में आपको नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी जटिलताएं आ सकती हैं, समझदारी से सूझबूझ से काम लीजिए, सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाए नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे आपको व्यापार में काफी सहायता मिल सकती है। स्वस्थ रहने के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने खान पान की जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, जो नियम है, उसमें कहीं भी व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें आप कहीं भी कोई इम्बैलेंस ना करें, अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच या चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में धीरज का साथ मत छोड़िए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप दो लोगों के बीच हुए वाद विवाद लड़ाई झगड़े को सुलझा करके निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, जहां आपकी बात का सम्मान किया जाएगा। आज आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। श्री ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दें। कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, ये देखें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप संभल कर नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, इसलिए आज आपको बहुत ही सोच समझ करके काम करना चाहिए। संभल करके दिनचर्या को बिताइए। आज किसी लंबे सफर पर जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो अगर आप कोई लंबी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा विराम चाहिए आपको। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिए। चलिए अब जानेंगे मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज दिल और दिमाग को खोल करके रखना चाहिए। हो सकता है अच्छा मौका आपके पास आ जाए और उस मौके का, उस अवसर का आपको पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको भी काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना है। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का भाव पाए। आज का महा उपाय बेहद खास है। लगातार हमसे लोगों ने पूछा है कि स्वस्थ नींद का, एक अच्छी नींद का, सेहतमंद नींद का कौन सा उपाय हो सकता है वो बताया जाए। जीवन में आपको सुख तो बहुत मिल जाते हैं, अच्छी नींद नहीं मिल पाती, और व्यक्ति जो है वो अच्छी नींद के लिए, सुख चैन के लिए ही सारा प्रयास अपना करता है। हर व्यक्ति का यही सपना होता है कि जब वो जीवन में कठोर परिश्रम करे, पूरे दिन कठोर मेहनत और भागदौड़ करे, तो रात में कम से कम उसे सुखपूर्वक नींद मिलनी चाहिए, अर्थात सुख की नींद मिलनी चाहिए। आज के भौतिकतावादी युग में हर व्यक्ति दोनों समय के भोजन और अच्छी नींद के लिए ही सारा प्रयास करता है, और जब वो ही ना मिले तो सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, आपके सारे संसाधन व्यर्थ, झूठे और बेईमानी से प्रतीत होते हैं। ऐसे में आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र बताऊंगा जो आपको देगा एक अच्छी और सुख की नींद, सुखपूर्वक और बाधा रहित नींद के लिए। रात्रि शयन से पूर्व इस मंत्र का आपको सिर्फ 3 बार उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम अगस्ति मार्धवश्चैव मुचुकंदो महाबल कपिलो मुनिरास्तिक पंचैते सुखशायिनः। इस मंत्र का आपको शयन से पहले आपको 3 बार जाप करना है। सोने से पहले यानी शयन से पहले हाथ पांव आप अवश्य धो लीजिए, इससे नींद भी अच्छी आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। हाथ पांव धो करके सोने का ये बहुत अच्छा फल मिलता है, और जब आप सोने जाएं, अपने बिस्तर पर चले जाएं, अपनी शैया पर जा करके लेट जाएं, तो इस मंत्र का 3 बार ध्यान करिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आपको एक अच्छी स्वस्थ नींद मिलेगी तो आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा उठेंगे, और जब आप तरोताज़ा उठेंगे तो आपका मन काम में लगेगा, जब काम में मन लगेगा तो सफलता आपको मिलनी ही। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।